नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, आपको मालूम है लोकसभा चुनाव होने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज कह रहे थे, जब तीन राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उस जीत के बाद आज नीतीश कुमार का भी कहना था कि कई जगह तो कांग्रेस जीती है, हालांकि कांग्रेस तेलंगाना जीती है, लेकिन वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा कब होगा फिलहाल नहीं कह सकते हैं, महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो जाए। आज हमारे साथ एनडीए के ही तीन प्रखर वक्ता हैं, बीजेपी से नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं, लोजपा रामविलास से विनीत जी हमारे साथ हैं, प्रखर वक्ता हैं, और विजय यादव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जी की मान जी की पार्टी से, यानी कि एनडीए का पुनर्वाज हमारे साथ है। हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले नीरज जी से। नीरज जी, नीतीश कुमार को आपने आज सुना? जी, आज सुना आपने नीतीश कुमार को? जी सुना था। चलिए नीरज जी, आपने नीतीश कुमार को सुना है, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया में है, लगता है कि अब चाहते हैं जल्द से जल्द बंटवारा हो जाए, और निगाहें आपकी ओर भी हैं? देखिए, नीतीश कुमार हताश और परेशान है, और तब से हताश परेशान है जब से वो इंडिया अलायंस में गए हैं, राजद के साथ बिहार में गए हैं। उनको मालूम है कि इसका हश्र क्या होने वाला है। अब तो भगदर मचने वाला है इंडिया अलायंस में, लोग अब छोड़ छोड़ के भागने वाले हैं। अब सभी नेताओं का बयान सुन लीजिए, इंडिया अलायंस के इतने घटक दल हैं, सबों का आप अलग अलग बयान सुन लीजिए, अब उसमें भगदर मचने वाला है। नीतीश कुमार को जो सपना दिखाया गया था कांग्रेस और राजद की ओर से, जो लॉलीपॉप सुनाया गया था, वो तो कहते थे कि जब हमने इंडिया की बैठक बुलाई उसको देखकर ही एनडीए वाले सब एक साथ हुए। आज तक कभी एनडीए की बैठक हुई है? कभी हुई है एनडीए की बैठक? क्या नीतीश कुमार जी बोलेंगे, उनकी कोई प्रासंगिकता भी है बची है क्या राजनीति में? भी देखिए, उनका बैठक हुआ, बैठक उनको रद्द करना पड़ा, मजबूरी में रद्द करना पड़ा, कारण जो बनाए। वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, जबकि उस दिन वो सेम डे बिहार में कैबिनेट की बैठक ले रहे थे। तो नीतीश जी हताश और परेशान है, और सीटों का बंटवारा, मैं एक बात बड़ी शुरू से बोलता हूँ कि देखिए, इनकी थॉट की कोई केमिस्ट्री इनकी नहीं मिलती। जब भी कोई दल मिलते हैं तो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, थॉट शेयरिंग, स्टेट शेयरिंग, एंड तब आती है बात सीट शेयरिंग की। इनके थॉट की केमिस्ट्री नहीं मिलती, इनका थॉट शेयरिंग अभी तक नहीं हुआ है, जबकि अब लोकसभा चुनाव में हार्डली 100 दिन बचे हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टेट शेयरिंग इनका फेल हो गया, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, जदयू ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, हर जगह इनकी यही कहानी हुई। और सीट शेयरिंग इनसे अब संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा, नोट कर लीजिए। इनके दल अब छिटक छिटक कर भागेंगे, कई लोग तो भाजपा के संपर्क में आ चुके हैं। नीतीश कुमार के पास अभी 16 एमपी है, तो जाहिर सी बात है कि 16 से ज्यादा ही मांगेंगे, तो फिर आरजेडी भी। नीतीश कुमार जी का अपना मुंह है, ये जो मांगे, ये तो नीतीश कुमार के प्रवक्ता रहते तो वो बताते, हम लोग इस पर क्या बयान देंगे कि नीतीश कुमार कितना मांगेंगे नहीं मांगेंगे। लेकिन इतना मैं दावे से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी को इस बार लोकसभा में 0 पर आउट होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी और राजद दोनों बिहार में 40 की 40 सीट के खाते में जाने वाले हैं। अभी आपके कुंडे पर भी आएंगे, जरा आपके कुंडे पर भी सवाल पूछेंगे। विनीत जी हमारे साथ है। विनीत जी, लोजपा आप लोग आ तो गए हैं, आपके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाचा भी है, भतीजा भी है, आपको उचित सीटें भी चाहिए आपके नेता को, आपको क्या लगता है दूसरे की ओर देख रहे हैं, आपके खुद के घर में सब ठीक है, धुआं तो नहीं निकल रहा है? हेलो जी, बिल्कुल नहीं निकल रहा है, हमारा घर तो बिल्कुल व्यवस्थित है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में कोहराम तो उधर मचा हुआ है ना। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कोई किसी को चालू पार्टी कह रहा था तो कोई चिरकुट पार्टी कह रहा था, और कांग्रेस आई तो सबने ठिकरा उन्हीं पर फोड़ दिया, जितना अपनी कुंठा थी सब कांग्रेस पर जब पंचिंग बैग निकाल दिया गया। भाई अगर हम कह रहे हैं कि हमारा सब चीज ठीक है और हाजीपुर से हम लड़ेंगे, मतलब कि लोजपा कोई उम्मीदवार लड़ेगा, तो गठबंधन के अनुसार ही, जो गठबंधन में सहमति हुई है उसके अनुसार ही हम ये बात कर रहे हैं। अब चाचा जी बात समझ नहीं, आप लड़ेंगे हाजीपुर, तो अभी पालक जी वहां के एमपी वो कई बार दावा कर चुके हैं कि मैं लड़ूंगा, वो क्या करेंगे? पहले वही तो कह रहे हैं, आपके घर में धुआं निकल रहा है सर। नहीं, धुआं अब जबरदस्ती कोई कर दे, देखिए पहले समझिए आलोक जी भाई, जब गठबंधन में है तो उसका एक धर्म होता है, अधर्म के अनुसार जब सबकी सहमति होती है तब कुछ बात बोला जाता है। अब चाचा जो है, इंग्लिश में कहते हैं नी जर्क रिएक्शन, चाचा बिना कोई सहमति के अगर अपनी बात रख रहे हैं कि हमें लड़ना है, तो ये उनकी मंद बुद्धि है। अब वो अपने आप को व्याकुल है, परेशान है, तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम बात कहते हैं तो हमें मालूम है कि कहां से हमें सहमति मिली है,
तो हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित है और यकीन मानिए हमारा, अभी आपने कहा कि नीरज जी से पूछ रहे थे कि एनडीए की मीटिंग हुई क्या, भाई एनडीए की मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, कहते ना कि वाइज मैन थिंक अलाइक, तो सब कोई क्योंकि इंडिया को देखकर नहीं, तो क्योंकि बैठक इंडिया को देखकर ही की ना प्रधानमंत्री ने। आलोक जी क्या है, जब आप युद्ध में जाते हैं और जब आपके विरोध में एक ऐसा छल प्रपंच करने वाला चिंदी, सॉरी माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन है, तो आपको भी पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। और ये एनडीए का ये स्वरूप रहा है कि जब भी हम जाते हैं, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हमारी तैयारी पूरी रहती है। तो भाई उनके 28 घटक दल थे, हमारे पास 38 घटक दल हैं। जनता को भी तो मालूम चलना चाहिए ना कि भाई जनता में जो मेजोरिटी है वो किसके साथ है। तो हमने दिखाया 4 स्टेटों का 5 स्टेट का चुनाव भी बता दिया कि हम क्या किस स्थिति में है। तो यहाँ पे भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी के साथ जब सीट शेयरिंग कुछ हम बात करते हैं चिराग जी से या कभी बात होती है, तो असंतोष का भाव तो उनमें भी झलकता है, अभी तक सीट की कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं नहीं, ये आपको किसने कह दिया है, जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अभी आपने कंपेयर किया, हम कंपेयर करें 2019 2018 में ही तय हो गया था 17-17 और 6 का फॉर्मूला। उस वक्त रामविलास पासवान जी जीवित थे, दिसंबर महीना आ गया, अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है, आप दूसरे के घर को देख रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आपने आपके अपने घर से कितना धुआं आ रहा है, आप वो देख रहे हैं क्या? आलोक जी धुआं की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे, आप जबरदस्ती बताए जा रहे हैं, धुआं कुछ है ही नहीं। जब हम एनडीए में आए तो इसका मतलब कि हमारी सहमति हमारे जो सबसे बड़े घटक दल है उनके साथ हो चुकी है और हो सम्मान चुका है, हम मिलेंगी, चाहते हैं सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, आपकी उम्मीद है? क्या बोल रहे हैं, सम्मानजनक आपको सीटें मिलेंगी चिराग जी को, उम्मीद है? अरे भाई जहां जहां हम जीते थे वहां पे हमारी मजबूती है और हम तो 40 सीटों पर तैयारी में बैठे हुए हैं कि अगर हम गठबंधन में हैं तो भाई हम बीजेपी की मदद करें या जो भी हमारे घटक दल के उम्मीदवार खड़ा हो वहां भी हम मदद करें, केवल फायदा ही नहीं लेकिन जहां जीते थे वहां वहां चाहिए, है ना, वहां में तैयारी है, उसके अलावा भी 34 जगहों पर तैयारी है। हमने कहा कि 40 सीटों पर हमारी तैयारी है। और एक बात याद रखिए लोग जी, 10 सेकंड में खत्म कर देंगे बात, कि जब हम आप देश के लिए बात करते हैं या आप राज्य के लिए बात करते हैं तो सबसे बेहतर माननीय प्रधानमंत्री से और कोई नहीं दिखता है और हम उनके साथ हैं। नीतीश कुमार का चेहरा, अरे आलोक भाई हारा हुआ थका हुआ चेहरा है, जो बोलना कुछ है बोल कुछ और जाते हैं। 17-18 साल में बिहार की क्या गत कर दी थी, मध्य प्रदेश में 10 उम्मीदवार चुनाव उतारे थे, चुनाव में 100 सीट 100 वोट आया, 120 वोट आया, 2 भाग गए, 8ों का चमार जब्त हो गया। अब क्या नीतीश कुमार जी बच गए हैं, अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। आप लोगों को कुछ मालूम है बिहार के बारे में, कुछ पता है? अरे सबको मालूम है, सबको पता है, तभी तो आपको वोट नहीं गिरता है। ये परेशानी है नीतीश कुमार जी की। हम तो यही कहेंगे कि उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता किया जाए और नीतीश कुमार जी भाई अब जो रिटायरमेंट है राजनीतिक रूप से वो लेके शांति से बैठे। चलिए विजय जी के पास आएंगे। विजय जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, माइक अपना ओपन कर लीजिए और आप ये बताइए कि लगता है वो जिस तरह से एनडीए में भी अब कह रहे हैं कि एनडीए भी नहीं बन रही है, बात कई लोग एनडीए की भी बात करते हैं, क्या सब कुछ सही में आपके यहाँ सब ठीक है? मांझी जी भी क्या एनडीए की ओर गए हैं, संतुष्ट हैं, सीटों का बंटवारा हो जाएगा अच्छे से? आलोक जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख एनडीए गठबंधन में गए हैं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे सीताराम मांझी जी का स्पष्ट कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जितने सारे सीट देंगे मैं लड़ने का काम करूंगा, ऐसा नहीं कि मेरा कोई डिमांड है, जहां से देंगे मैं 400 सीट का तैयारी में कर रखा हूं और जहां से मुझे गठबंधन को देंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और वही बात अन्य दलों की बात, जैसे लोजपा की बात है, लोजपा में अपना ये लोग समझे, लेकिन हम लोग यहाँ कहीं कोई झमेला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे भी श्री सीताराम मांझी को मान सम्मान देने का काम करते हैं, गृह मंत्री राष्ट्रपति सम्मान देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप बोलने का काम किए, दलित विरोधी करने का काम किए, माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में आवाज उठाने का काम किया कि नीतीश जी कहां अपमान किया, कहां विजय, कहां अपमान किया विजय जी, विजय जी उन्होंने तो कहा कि जितना मांझी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, इस दलित मांझी को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, जो अपमान इन्होंने किया है, कल हम लोगों ने दिल्ली में अपमान किया है कि सम्मान दिया मुख्यमंत्री बनाकर, अपमान किया है कि सम्मान दिया मुख्यमंत्री बनाकर,
उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने इन्हें बनाया, मुख्यमंत्री बना दिया, ये मुझसे भूल हो गई। माननीय नीतीश कुमार, क्या माननीय नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाते हैं क्या? आपको क्यों नहीं बना देते हैं? मेरे को क्यों नहीं बना देते? अरे बिहार के जनता मुख्यमंत्री बनाती है, मैंडेट बिहार के जनता देती है। यदि नीतीश कुमार जी यदि मुख्यमंत्री बनाने लगते सबको, तो सबको पूरे बिहार के मुख्यमंत्री बना देते। देखिए एक दलित को अपमान करने का काम करते हैं मांझी जी को, आपने मांझी जी मुख्यमंत्री कैसे बने? मैंडेट मिला था मांझी जी के नाम पर, मैंडेट सब न बने। अरे मांझी का नीतीश के नाम पर मैंडेट मिला था, जो आज 17 साल से मुख्यमंत्री है। ऐसा गलत फहमी में आप लोग न रहे। देखिए बिहार के जनता मुख्यमंत्री बनाते, जब हम जीत के आते ही नहीं तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री कैसे बनाते? ये तो बनाने के नाम पर दलितों का अपमान करने का सिर्फ काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में भी देखा, अभी देख रहे हैं कि हर जगह दलितों के अपमान कर रहे हैं। देखिए इस दल में किसी का मान सम्मान नहीं है। इंडिया गठबंधन ये लोग बना है, इंडिया गठबंधन में इनको स्वयं मान सम्मान नहीं मिला है, इनको कोई पूछ रहा है? ठीक है, ये तो अपने स्वयं कह रहे हैं कि मैं जहां गए हैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अरे देखिए तो कोई आपको कह रहा है, आप जहाँ गए हैं वहाँ पर सम्मान मिल रहा है ना? वहाँ पर सीटें मिल रही हैं ना? घर को देखिए, जहाँ आप गए हैं वहाँ सीटें मिल रही हैं आपको? बहुत कलह फैला हुआ है। जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। देखिए भाजपा ही ऐसा है, नेशनल पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री भी साथ दलितों का सम्मान देने का काम कर रहे हैं पूरे देश में, बिहार ही में नहीं, ये पूरे देश में सम्मान देने का काम कर रहा है। इसी कारण आपने देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जो हुआ, 3 स्टेट में चुनाव जीतने का काम किया। देखिए वो माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करते हैं गरीबों के प्रति, वादा गरीबों को जो हितैषी अनाज देने का काम करते हैं, गरीब लोग जागरूक है, दलित लोग जागरूक है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। और श्री सीताराम जी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे भाजपा इंडिया गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलेगा या जितना सीट मिलेगा, मैं बढ़ चढ़कर पूरे देश में सम्मान पूर्वक दलितों को जगाने का काम करूंगा, दलितों का वोट एक तरफा भाजपा गठबंधन में गिरवाने का काम करूंगा। देखिए ठीक है, ठीक है, विनीत जी के पास आएंगे, विनीत जी के पास आएंगे, विनीत जी के पास आएंगे फिर से। विनीत जी अभी जो विजय जी हो गया, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। विनीत जी के पास आएंगे अभी। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा जिस तरह मांझी को कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गलती की, आपको लगता है ये दलित विरोधी पूरी मानसिकता झलक रही है? ठीक है, क्योंकि आप तो लोचा भी बोल रहे हैं लेकिन राज्यसभा के मामले भी अक्सर करते हैं। रामविलास पासवान जो राज्यसभा गए, कैसे गए? बिना हमारे सहयोग के गए। मांझी क्या मैंडेट से जीत के आए? आलोक जी आपको मालूम है लेकिन आप सुनना चाहते तो सुन लीजिए। हमारे रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने के पीछे नीतीश कुमार जी का क्या घमंड था, आप याद कीजिए कि हमारे दिवंगत नेता और हमारे मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 से 5 घंटा उनको इंतजार करना पड़ा था। जबकि टिकट शेयरिंग जब हो रहा था, सीट शेयरिंग, तो पहले ही उस पर राजामंदी हो गई थी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने, और नीतीश कुमार जी ने कबूला था, लेकिन जब समय आया तो पलटी मारने लगे थे। तो हमें मालूम है कि कितना इन्होंने हमें इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, उसके बाद से उन्होंने बेइज्जत किया। क्या बेइज्जत किया? वही हम कह रहे हैं कि भाई किसी को आप बेइज्जत करके अमृत पिलाइएगा तो अमृत पान नहीं कहलाता है। दूसरी बात, दलित की बात करें तो मांझी जी को मुख्यमंत्री तो उन्होंने बनाया ना, मांझी जी को मेरिट से जीत के थोड़ी आए थे। नहीं ध्यान रखिए ना, मांझी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? जब 2014 में इनकी करारी हार होती है तो अपना फेस बचाने के लिए, जब 2 सीट पे आ गए थे तो अपना फेस बचाने के लिए इन्होंने किसी को स्केप गोट बना दिया। और जब मांझी जी बढ़िया काम करने लगे, जब इनको लगा कि जनता इनके पीछे हो रही है, तो इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है कि वो मांझी जी को हटा दिए। और एक बात आते हैं लोग, ध्यान सुनिएगा, कांग्रेस केवल अकेले नहीं हारी, उसमें नीतीश जी का भी सहयोग है। जिस हिसाब से महिलाओं के बारे में इन्होंने टिप्पणी की, दलित विरोधी मानसिकता इन्होंने दिखाया, फर्जी जातीय सर्वे करके दिखाया, तो जनता समझ गई कि जब इंडी गठबंधन का सूत्रधार का ये नियत है तो सोचिए बाकी नेताओं का क्या होगा। तो नीतीश कुमार जी की भी सहभागिता है और इनको भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा कांग्रेस के हार के लिए। कांग्रेस हार के, ठीक है, चलिए अंतिम आते हैं नीरज जी के पास, आते हैं नीरज जी, क्योंकि आज तो बहस नहीं चर्चा ही हम कर रहे थे। आपकी पार्टी को सबको साथ लेकर चलना है नीरज जी, सबको साथ लेकर चलना है,
नीतीश कुमार दलित विरोधी भी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बनाया ना, आपके साथ रहेंगे तो काफी अच्छे हो जाएंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं आपके साथ रहेंगे तो काफी अच्छे हो जाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि सामने वाला का जरा देखिए, शिवसेना की बात आप तो उनके क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्या सरपटोल हो रहा है, आपके क्या हो रहा है, क्या सच में सबको ले तो गए हैं आप, उपेंद्र कुशवाहा को भी ले गए हैं, उचित सम्मान देंगे ना आप? बिल्कुल, भाजपा हमेशा सबके सम्मान का ख्याल रखती है, रखती रहेगी और रखेगी। और यहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार के लिए हम लोगों के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बता चुके हैं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और रही बात मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने की, तो ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, मजबूरी में उनको अपना चेहरा बचाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि प्रचंड बहुमत से जो जीत के जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो उनको रिसीव करने, स्वागत करने नहीं आना पड़ी। आदमी तो हाईली इगोइस्टिक है ना, इनको राज्य की भलाई से मतलब नहीं है, ये व्यक्तिगत अहंकार में जीने वाले आदमी, तो उस अहंकार के तहत अपना चेहरा बचाने के लिए ये मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। और बाद में किस तरह से नेता का अपमान किया, जो कि सर्वमान्य नेता है बिहार में। नहीं, बीजेपी भी कह रही है कि बिहार में अगले दम पर सरकार बनाएंगे। मैं सवाल आपसे यही है, आप ही बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, आप सहयोगियों को ले आए हैं। अभी विनीत जी ने इशारों में कहा छह सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मांझी जी यहाँ भी संतोष सुमन का एमएलसी टर्म खत्म हो रहा है, तो कितना किसको बांटेंगे और कितने सीट पर आप लड़ेंगे, कम से कम कितनी तैयारी है बीजेपी इसके लिए? आलोक जी इसके लिए भाजपा के पास बहुत ही सक्षम, और मैं कहूँ तो दुनिया का सबसे सक्षम संसदीय बोर्ड है। और हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड की प्रणाली है ये निर्णय करने के लिए, संसदीय बोर्ड ठीक है, मुंह खोल के नहीं मांग रहे, डिमांड तो कर रहे हैं। टीवी पर डिबेट में तय नहीं हो सकता, टीवी डिबेट में नहीं तय हो सकता कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। संसदीय बोर्ड में जब ये तय हो जाएगा आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा और सबके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। नीरज जी, बिहार की राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन में कहीं आरती उतारने चले गए तो नीतीश जी तो अभी जाके फोटो खिंचवाए थे ना वहाँ, क्या बोलते हैं, G20 की बैठक में, तो इनके लोग घबराहट होने लगे कहीं जा तो नहीं रहे। देखिए नीतीश जी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है और हम लोग उनको विश्वास नहीं देंगे। नीरज जी, घबराहट किसको हो रही है? आप लोग को जो ज्यादा बोल रहे हैं कि नीतीश जी वापस आएंगे, इंडिया अलायंस के लोगों को, हम लोगों को नीतीश जी की हकीकत मालूम पड़ चुका है, वो वैसा नींबू हो चुके हैं कितना भी निचोड़ो रस नहीं निकलेगा उनसे, उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है, वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता उनकी समाप्त हो चुकी है। खासकर तब से जब से हमारे अध्यक्ष शानदार जानदार युवा पगड़ी वाला सम्राट चौधरी जी आए हैं, तो जो उनका आधार वोट था कुर्मी कुशवाहा का, वो भी खिसक गया उनका। नीतीश कुमार के पास अब कोई वोट नहीं बचा, कोई उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं बची और उनकी मानसिक स्थिरता भी अब ऐसी नहीं है। तो कहते हैं कि मेरा विरोध करके वो सिर्फ नेता हो सकते हैं, जनता का नेता नहीं हो पाएंगे, पगड़ीधारी जी की बात कर रहे हैं। अब उनसे तो हम ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि वो हमारा पीठ थपथपाएंगे। अरे वो विरोध में है तो विरोध की बात ही करेंगे, इसीलिए उनका वजूद है। आज भाजपा के अध्यक्ष जनमानस के नेता हैं और भाजपा में कई चेहरे ऐसे हैं। हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष बार बार बोलते हैं कि हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी उनसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा, और ये सच है। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग 24/7/365 काम करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि चुनाव नजदीक आया हमारे बल पर बीजेपी आगे बढ़ी बिहार में, तो जानता था। नीतीश कुमार को तो हम लोग कंधा पे बिठा के ढोए, कब उनको हमारे तरह सीट आया, कभी नहीं आया। और एक बार जब वो बात करते हैं कि ज्यादा सीट आया, वो अभी आंकड़ा उनका गलत है, उस समय का भी स्ट्राइक रेट देखिए, बीजेपी का ज्यादा रहा है, 91% रहा है। आपने लोजपा का छल किया, लोजपा को खड़ा करवाया चुनाव में और उछल किया, विनीत जी सही है ना? नीतीश कुमार कहते हैं ये बिल्कुल इसका सफाई चिराग पासवान जी दे चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने कैसे उनके पिता को अपमानित किया था, राज्यसभा भेजने में कैसे वो अरंगा लगा रहे थे, और वो चिराग पासवान जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने उनको हासिल दिखाया। इसमें भाजपा की भूमिका नहीं, छुरा भोंका ना बीजेपी के कहने पर छुरा भोंका ना। देखिए एक बात सुन लीजिए, लोकतंत्र में जनता वोट देती है, जनता सरकार बनाती है। अगर नीतीश कुमार से जनता खुश नहीं थी तो माध्यम बस केवल चिराग पासवान और लोजपा बना,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको छुड़ा भोका। उनका अगर काम बढ़िया होता तो हमारे लाख कहने पे भी जनता उनको वोट देती, पर हुआ नहीं। तो ये बार बार चिराग मॉडल का ललन सिंह जो जिक्र करते हैं, उनका वो कुंठा है, उनका द्वेष है हमारे नेता के प्रति, कि वो कभी नहीं चाहते कि दलित जो है वो बिहार के सत्ता में आगे बढ़े या देश की राजनीति में आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार जी की दलित मानसिकता तो हर जगह द्योतक ही है। सीटों का तालमेल हो जाएगा, अंतिम सवाल मेरा, सीटों का तालमेल आपका हो जाएगा अच्छे से या फिर शत प्रतिशत हो जाएगा? निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, पड़ जाएगा। इंडिया अलायंस कभी नहीं होगा, शेयरिंग नहीं हुआ ना होगा, वो इंडिया अलायंस ही अब समाप्त हो जाएगा। आप देखिए एक महीना के अंदर सारे दल उसके भाग जाएंगे छोड़ के उस गठबंधन को। इंडिया की मीटिंग होने वाली थी, अभी तो लालू प्रसाद ने कहा 17 को बैठक होगी, देखना है 17 को भी कितने लोग वहां जाते हैं, ये भी देखना होगा। आप लाइव स्ट्रीम साहब बने हैं, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। इंडिया का क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा क्या? धुआं सच में अभी से निकल रहा है। पारस जी हैं, गिरिराज जी हैं, मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, सबको ले तो गए नीरज जी, देखते हैं कितना सम्मान आप भी लोगों को देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।